हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीलॉग। आज का यह वीलॉग दो वजहों से स्पेशल है। पहला कि यह मेरा फर्स्ट वीलॉग है और दूसरा कि आज मेरा हैप्पी बर्थडे। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपको एक स्पेशल जगह ले जाऊंगा और दूसरा कहीं घूमने चलेंगे। तो चलो, मैं हो गया हूँ रेडी, लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो दोस्तों, मैं अपनी पहली स्पेशल जगह पे आ गया हूँ, आप देख सकते हो। अब क्यों है ये स्पेशल जगह, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों हनुमान जी का मंदिर। ये मंदिर मेरे नानी के घर के पास में है और यहाँ पे मैं आपको इसलिए लाया हूँ। ये स्पेशल जगह मेरे लिए इसलिए है बिकॉज़ यहाँ से एक मेरी बहुत ही अच्छी स्टोरी जुड़ी हुई है। एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पे जब मैं पैदा हुआ था तो यहाँ पे मेरी नानी ने एक बहुत बड़ा घंटा चढ़ाया था। जैसे यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो यहीं पे एक बहुत बड़ा घंटा चढ़ाया था। अब वो घंटा उतर चुका है एक्चुअली, बट जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी नानी ने यहाँ पे वो घंटा चढ़ाया था। बहुत खुश थी वो। अब वो हमारे साथ में है नहीं, बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो आज मैंने सोचा था कि मैं जब आऊँगा यहाँ पे तो आज मैं अपने बर्थडे वाले दिन यहाँ पे ज़रूर जाऊँगा और आप लोग को भी मिलवाऊँगा यहाँ पे। कि ये मेरे वन ऑफ द स्पेशल प्लेस है मेरी लाइफ की, दैट्स व्हाई आई एम हियर। चलो थोड़ी देर दर्शन करते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। सीताराम भैया, भाई लोगों, ये हो गए हमारे मंदिर के दर्शन। अब चलते हैं दूसरी जगह पे। मैं आपको अभी स्टोरी भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा क्या हुआ था कि मेरी नानी इतनी खुश थी, इन्होंने उस मंदिर में बड़ा सा और घंटा भी चढ़ाया था। चलो बताता हूँ मैं जब हम लोग दूसरी जगह पे पहुँच जाएंगे। चलो लेट्स गो। हेलो, तो मैं दूसरी जगह पे पहुँच गया हूँ। आपको लग रहा होगा देख के किसी जगह की पार्किंग में हूँ। यस, आई एम देयर। मैं एक मॉल में आया हूँ और अभी बताऊंगा कौन सा मॉल है जब अंदर पहुँचेंगे। चलो लेट्स गो। सो गाइस, मैं हूँ अभी फीनिक्स यूनाइटेड मॉल में, जो कि मेरे घर के पास में ही है। लखनऊ का फीनिक्स यूनाइटेड मॉल, वहाँ पर मैं हूँ। एक इसी के नाम से एक दूसरा मॉल भी है जिसका नाम है फीनिक्स पलासियो, बट वहाँ पे मैं नहीं गया बिकॉज वो घर से बहुत दूर है और मेरे पास में थोड़ा समय भी कम है। और वहाँ ना जाने के एक कारण ये भी है कि वहाँ पे मैं अपने दोस्त के साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके साथ में नहीं गया तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा चलो यहीं आ जाता हूँ। बहुत दिन हो गए थे यार, बाहर नहीं निकला था, तो इसलिए मैं आज आ गया। हम लोग जा रहे हैं फूड कोर्ट की तरफ, देखते हैं वहाँ पे कुछ है खाने को कि नहीं, मेरे लायक खाने को है कि नहीं, बिकॉज मैं आजकल कुछ स्पेसिफिक ही खाता हूँ। सो लेट्स सी। सॉरी गाइस, मैं इतना अच्छे से आपको नीचे का दिखा नहीं पाया, लेकिन बहुत अच्छा व्यू रहता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों फूड कोर्ट की तरफ, जो कि सबसे टॉप फ्लोर पे है। भाई साहब, नीचे से मैं आपको दिखा नहीं पाया, सॉरी, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया तुरंत कि आप वीडियो शूट नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। यार, दिल्ली के सारे मॉल रोज में अलाउड हैं, यहाँ से नहीं अलाउड है। गजब है यार, क्या खाया जाए यार, कुछ समझ से नहीं आ रहा। खाऊंगा यहाँ पे, खाने के लिए मेरे लगते कुछ है नहीं। तो सोच के आया था कि कुछ यहाँ पे एक स्टोर था, वहाँ पे कुछ अच्छा पीने को मिलता था एक्चुअली। तो वही खोज रहा हूँ, लगता है हट गया है। मैं आवाज़ आपको आ रही होगी अच्छे से। आप चेक करते हैं, दो तीन स्टोर हैं यहाँ पे। कैवेंटर्स मिल गया, कैवेंटर्स को तो मिल सकता। भाई लोगों, सारी प्लानिंग फेल हो गई। बहुत ज़्यादा शूटिंग करेंगे, वीडियो बनाएंगे,
बर्थडे है, बर्थडे पर व्लॉग करेंगे। लेकिन भाई यहाँ है तो यहाँ अलग ही सीन है, शूटिंग ही नहीं अलाउड है, वीडियो शूट आप नहीं कर सकते मॉल में, क्या बताया जाए यार, मुंडा हो गया। मतलब व्लॉग अच्छे से बनता, अच्छे अच्छे सीन दिखाते, अलाउड ही नहीं, मना कर दिया। नीचे मैं दिखा रहा था, थोड़ा सा मैं ऐसे शूट कर रहा था, नीचे सिक्योरिटी गार्ड ने एकदम से मना कर दिया कि नहीं, नॉट अलाउड। अजीब ही रूल है यार, दिल्ली वगैरह में तो सब शूट करते रहते हैं, इंटरनेशनल भी सब शूट करते रहते हैं, यहाँ अलग ही खेल है, अलाउड ही नहीं किया। वॉट इज़ द रूल कह रहे हैं, फ़ोटो खींच सकते हो बट आपको शूट करना अलाउड नहीं। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कैमरा से कोई बात नहीं भाई। मैंने अभी ऑर्डर किया है कैलेंटर से एक किटकैट शेक एंड हाफ डार्किंग और यही ठीक है, सेलिब्रेट कर लेते हैं बर्थडे। मैं अकेले ही आया हूँ, मेरे को कोई नहीं मेरे साथ, लोगों ने सिटिंग वॉर सिटिंग डाउन मैच नहीं। मेरा एक ही दोस्त है यार, वो कुछ काम है बिजी तो वो आ नहीं पाया, तो मैंने सोचा चलो मैं ही चलता हूँ, बहुत बोर हो रहा था तो इसलिए सोचा कि यार आज बर्थडे है, स्पेशल डे है, चलो लेट्स गो। और हाँ भाई, मेरा पहला ही व्लॉग है, पहली बार ही शूट कर रहा हूँ भाई, पक्का गलती तो होगी होगी, तो मैं सीखा हूँ भाई, सॉरी माफ़ कर देना, पसंद आए तो ना हो, आई एम ट्राइंग। अभी आगे जो है और इम्प्रूवमेंट होगा, मैं आगे और अच्छे से शूट करूँगा, शूटिंग या नाउ नहीं यार, पता नहीं मूड ऑफ। हाँ, जब तक ऑर्डर आ रहा है तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि मैं तो बोला था क्यों मेरी नानी ने मंदिर पे मेरे पैदा होने पे घंटा चढ़ाया था। एक्चुअली हुआ क्या था सीन कि मेरी जो मदर हैं उनके मेरे पैदा होने से पहले ट्विंस जो बच्चे होने वाले थे तो दे डाइड इनसाइड माय मदर बॉडी, तो इस वजह से मैं को बड़ा प्रेयर्स के बाद में और बड़े ही उससे कि हो जाए हो जाए हो जाए अच्छा, तो इसलिए बड़े ही आफ्टर सो मेनी प्रेयर्स अब इसलिए घर में सब खुश थे, मम्मा रेडी हो सभी, बच्चा पैदा होता है सभी खुश होते हैं, बस मेरे तो कुछ ज़्यादा ही खुश थे, तो इसलिए मंदिर पर मेरी नानी ने घंटा चढ़ाया था। एंड मेरी नानी मुझसे बहुत प्यार करती तब, वो मुझे मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा प्यार करती, और वहाँ पे मैं जाता रहता हूँ, अक्सर जाता रहता हूँ, बहुत दिन हो गया लेकिन मैं गया नहीं था, बट आज मैंने सोच के रखा था कि अब की बार ये वाले बर्थडे पे मैं ज़रूर जाऊँगा और आप लोग को भी दिखाऊँगा, आप लोग को भी दिखाऊँगा। वेट करें यहाँ पे बैठ के, किट कैट शेक का इतनी जल्दी बन जाएगा, जल्दी तो किया जाएगा। मुझे पसंद है किट कैट शेक पर्सनली, मैंने काफ़ी जगहों का किया है और तो सबसे बेस्ट जो मिलता है अपना जो मैंने जितना भी अभी पूरे लखनऊ में ट्राई किया है वहाँ पे सबसे बेस्ट जो मिलता है वो सन रिपब्लिक मॉल है, तो कोई मौका मिला तो चलेंगे वहाँ पर। और अब यहाँ का देखो कैसा है, मैंने इनकी एक्चुअली कैलेंटर्स की बहुत सारे मतलब कि स्टॉल्स हैं पूरे लखनऊ में, मैंने दो तीन जगह पर ट्राई किया बट क्वालिटी वॉज नॉट एज पर द नेम, मतलब जो नेम है उसके जो क्वालिटी वॉज बैट बैट जो दबाज देखो कैसा बनता है, तो भगवान जी मेरा बर्थडे एक तो अच्छी चीज़ कर दो, चलो देखते हैं मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आप कह रहे होंगे कि इतना कोरोना फैला हुआ है और ये मास्क लगा के बैठा है, भाई मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ सही से पहुँचेगी नहीं, ऑडियो पूरा ख़राब हो गया था, इसलिए मैं जो है मास्क में लाया हूँ, तो इसलिए मैं जो अभी लगाए नहीं कि हो जाएगा तो मैं लगाऊंगा, कहीं भी जा रहा हूँ तो मैं लगा रहा हूँ, बस आपके मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ तभी जो है मैं मास्क हटा कर रहा हूँ, मैं मास्क लगा। भाई ये रहा अपना मिल्क शेक कैट, बहुत दिन बाद पी रहा हूँ, अराउंड 1 ईयर हो गया होगा, 1 ईयर बाद पी रहा हूँ मैं, तो लेट्स सी हाउ इट, चलो ट्राई करते हैं, लेट मी सी हाउ इट।
काफ़ी अच्छा बना। आई थिंक जितना भी मैंने आज तक प्रेजेंटर्स का किया ट्राई किया है मेरे से बड़ा बिका आप सही में काफ़ी सब ठीक है। चलो मेरे बर्थडे की लास्ट हो गई, एक चीज़ तो अच्छी हुई वीडियो में शूट कर पाया, तो कम से कम अच्छे दर्शन मिले ठीक है। शेक एंजॉय मिलते हैं 5 मिनट। आप लोग सोच रहे हो गए ये अकेले कौन सा बर्थडे एंजॉय होता है, वहाँ के रहना ये आया तो मैंने बचपन से ही बहुत ही लिमिटेड एक दो एक दो अभी भी मतलब एक ही है मेरा ठीक है तो, और वो भी आज भी है उनका मैं ज़्यादा जिसके साथ नहीं, मेरा बहुत मन कर रहा था कभी कहीं बाहर जाने का, मैं आज तो जाना ही जाना अभी समान बनाया कि चलो ब्लॉगिंग मुझे स्टार्ट करनी थी क्योंकि मैं आज ही से शुरू किया गया। लाइट्स देखो कितनी सुंदर है, एक चीज़ दिखाऊं अभी जैसे ही मैं घर के अंदर आया वैसे जैसी बाइक रखी वैसे देखो बारिश शुरू हो गई। आज बहुत बढ़िया यार, चली बहुत बढ़िया, अनाज पूरा भीग जाता सारा जो है, भीगने में कोई दिक्कत नहीं मज़ा ही आता है, लेकिन उसके बाद में जो बीमार पड़ता है ना आदमी वो बहुत ख़राब मामला हो जाता है। और आप लोग तो जानते ही हो कि कितने आजकल बीमारी का समय चल रहा है, तो इसलिए बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। चलिए इतनी बारिश में आदमी की हालत ख़राब हो जाती है, आज रेनकोट भी नहीं था मेरे पास, तो मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो रेनकोट ले कर चलता हूँ, बट देखेंगे इसकी रेनकोट मेरे रेडी तो क्या है अपने साथ में, तो मेरे पास में रेनकोट भी नहीं था, सारा मोबाइल वगैरह सब भीग जाता हो जाता मेरा बर्थडे का व्लॉग आज। चलो बच गया मैं तो भाई लोगों, मैं घूम घाम के सब अपना आ गया वापस घर, और आई होप आपको वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि मैं खुद जानता हूँ इतना अच्छा नहीं बना है बिकॉज ऑडियो में दिक्कत, फिर जानते ही हो क्या हुआ वहाँ पे मना कर दिया गया, तो बट आई ट्राई, तो इसलिए पहला था तो थोड़ा बहुत गलती तो शॉर्ट थी होनी थी, पर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी आया, तो आई ट्राइड माई बेस्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे बर्थडे की विश कर देना मुझे कमेंट सेक्शन में ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय।